हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जी हां, शिवसेना अध्यक्ष और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वो बागियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि शिवसेना को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, जिन्हें जाना है वो जाए, किसी के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। पार्टी के सिंबल को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिंजो आबे के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। जी हां, शिंजो आबे के निधन पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। एक के बाद एक किए गए कई ट्वीट्स में पीएम मोदी ने शिंजो आबे के साथ अपनी दोस्ती को याद किया। आबे को दूरदर्शी नेता बताते हुए पीएम मोदी ने अपनी जापान विजिट के दौरान खींचा गया एक फोटो भी शेयर किया है। बिजनेस शुरू करने के लिए यूएई सरकार देगी एक साल की सवैतनिक छुट्टी। जी हां, यूएई सरकार ने कहा कि सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक साल तक की छुट्टी ले सकते हैं। इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को उनकी आधी तनख्वाह मिलती रहेगी और उनकी नौकरी भी बरकरार रहेगी। वे चाहें तो साल भर बाद वापस अपनी नौकरी में लौट सकते हैं। छुट्टियाँ कर्मचारी जिनके लिए काम करते हैं उनके फेडरल अथॉरिटी के प्रमुख मंजूर करेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को मिली जमानत। जी हां, भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने के बाद सिंगला को 24 मई को राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिंगला कथित तौर पर हर टेंडर में 1% कमीशन मांगते थे। भूपेंद्र यादव ने कहा, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक सस्टेनेबल प्लैनेट के निर्माण की ओर एक कदम है। जी हां, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध एक सस्टेनेबल प्लैनेट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का मानना है कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास होना चाहिए। बकौल यादव, सभी की भागीदारी व संयुक्त प्रयास से दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल खत्म कर सकते हैं। शिंजो आबे को लेकर भावुक हुए जापान के पीएम, बोले बचाने की हर संभव कोशिश की। जी हां, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को लेकर जापान के पीएम फुमिओ किशिदा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि शिंजो आबे को लेकर बहुत दुख हो रहा है। उन्होंने बताया कि शिंजो को बचाने की हर संभव कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये बर्बरतापूर्ण हमला था, ऐसी वारदातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सीतापुर मामले में मिली जमानत। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है। हालांकि जुबैर दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहेंगे। जैसा कि शुरुआत में उन्हें धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उसने जांच पर रोक नहीं लगाई है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।